दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इस मूविंग पॉइंट को ब्लर कैसे किया है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करने का जल्द से जल्द टारगेट है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करने में मेरा सहयोग अवश्य दें। अब चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ काइन मास्टर एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर। इस एप्लीकेशन के लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ क्रिएट न्यू पर और अपने वीडियो के अकॉर्डिंग में रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं अब अपने वीडियो को भी सिलेक्ट कर लूँगा जिस वीडियो पर मुझे डायनामिक ब्लर इफेक्ट ऐड करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको सिंपली क्लोज करता हूँ और एक बार इसको चला के देखूँगा। फिर मैं लेयर्स पर क्लिक करूँगा। लेयर्स पे क्लिक करने के बाद मैं इफेक्ट में जाके बेसिक इफेक्ट में जाऊंगा और गॉसियन ब्लर को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब गॉसियन ब्लर की लेंथ जो है, इसको लेंथ को पूरे वीडियो तक लेके जाता हूं क्योंकि मुझे पूरे वीडियो पर ब्लर इफेक्ट ऐड करना है। अब मैं अपने बॉल या पॉइंट उसके अकॉर्डिंग अपने ब्लर की साइज़ को एडजस्ट कर लेता हूँ और उसको ओवरशेडो कर देता हूँ। और अब मैं लेफ्ट में आपके पास में जो की वाला ऑप्शन आ रहा है उसमें मैं क्लिक करूँगा और जैसे जैसे बॉल मूव होती जा रही है वैसे वैसे मैं अपने ब्लर की पोजीशन को भी उसके साथ में मूव करता जाऊँगा। इस तरीके से देखिए दोस्तों, ये जो गॉसियन ब्लर की जो लेयर है इस पर पॉइंट ऐड होते जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक ऐड हो रहे हैं। आप इसको मैन्युअली प्लस पे क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप प्लस पे जाकर ऐड भी कर सकते हैं। और ये साइज़ में कम ज़्यादा कर सकता हूँ ब्लर का साइज़ किसी भी टाइम पर, कोई इशू नहीं है। और कहीं भी किसी भी मोमेंट पे आपसे कुछ गलती हो जाए तो वापस पूरी स्टेप को रिसेट करने की जगह जो लेफ्ट सेकेंड टॉप लेफ्ट में जो ऑप्शन है अंडू वाला, आप उस पर क्लिक करके अंडू कर सकते हैं आप। और वापस से आप एक स्टेप पीछे चले जाएंगे, वहाँ से आप फिर से शुरू कर सकते हैं और आप अंडू करके कितने भी स्टेप पीछे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आपको पूरा की पूरा रिवर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी गलती हो जाए आप कंटिन्यूस इसको चलने दें। अब जैसे जैसे पोल मूव होती जा रही है मैं इसके ऊपर इसको मूव करता जा रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है पर है एकदम सिंपल, आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसको मैं चलने देता हूँ और थोड़ा इसको मैं स्पीड बढ़ा के डायरेक्ट आपको इसको एकदम एंड में ले जाके मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ब्लर की प्रोसेस दोस्तों मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सिंपली एक बार इसको चला के देख लेता हूँ। ये मुझे ब्लर की स्ट्रेंथ कम लग रही है तो मैं सेटिंग में जाके इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, 4 पे कर लेता हूँ, ना कम ना ज़्यादा, 4 सही लग रहा है। हाँ, थोड़ा ब्लर होता हुआ दिख रहा है 4 में, तो ये काफ़ी सही है। तो दोस्तों, आप बताइए मुझे कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा। ब्लर तो काफ़ी अच्छे से ऐड हुआ है, आप भी बताइए मुझे वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे 10,000 सब्सक्राइबर को पूरा करने में मेरा सहयोग जरूर कीजिए और वीडियो शेयर भी कीजिए ताकि मेरे सब्सक्राइबर का टारगेट जल्द से जल्द पूरा हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।